आज मैं आप लोगों के सामने अलेक्जेंडर के जो कोटेशंस हैं उसके बारे में आपको कहूँगा कि उसको डिफाइन करूँगा, उसके डिप्थ में जाऊँगा कि उसके अंदर क्या है। और पीछे जो तीन वीडियो थे, मतलब जो थेलेस के जो तीन कोटेशंस थे उसको मैंने डिफाइन किया है और गहरी से समझने की कोशिश की, और इसी के मुताबिक अलेक्जेंडर के आज एक पहला कोटेशन उसको डिफाइन करेंगे और बाकी जो दो वीडियो बाद में आएंगे उसके बारे में एक अलग अलग वीडियो बनेंगे, लेकिन ये जो पहला कोटेशन है उसके बारे में होगा। अलेक्जेंडर की कोटेशन को पहले समझने से पहले अलेक्जेंडर कौन था। अलेक्जेंडर एक मशहूर फिलासफर भी था जो ग्रीक का था, मतलब जो प्री सोक्रेटिक फिलासफर्स हैं, मतलब सोक्रेट्स से पहले जो फिलासफर आए थे उनमें से अलेक्जेंडर एक इंक्लूड है। अलेक्जेंडर को इधर कंफ्यूज नहीं करो, मतलब हम अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर ग्रेट समझते हैं, वो नहीं, वो अलेक्जेंडर नहीं है, एक अलग अलेक्जेंडर है, उसके बारे में आगे आएगा। लेकिन इस के ये अलेक्जेंडर एक मशहूर एक फिलासफर भी था और जो थेलेस था उसका स्टूडेंट था, उससे मुतासर हो चुका था और उससे पढ़ता था। और अलेक्जेंडर नेचर के बारे में अलग अलग फिलासफी के अलग अलग चीज़ें उसने बताया है, लेकिन हम आज इसके बारे में उसके जो पहला कोटेशन है उसको डिफाइन करेंगे, उसकी जानने की कोशिश करेंगे। जब हम इस कोटेशन को इसे ऊपर की लेवल से देखें तो हमें समझ नहीं आएगा, उसको डिप्थ में हम लोगों को देखना होता है कि इसके अंदर है क्या। उस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये भी जानने होंगे, कुछ स्पेसिफिक्स हमें जानने होंगे, उसके मुताबिक फिर हम इस कोटेशन को समझेंगे कि इसके अंदर है क्या। एक होता है आइडियलिज्म वर्ल्ड, एक होता है मटेरियलिज्म वर्ल्ड, ये दोनों फिलासफी के एक टर्म है। आइडियलिज्म का मतलब क्या और मटेरियलिज्म का मतलब क्या? आइडियलिज्म का मतलब ये होता है जो माइंड के जो थॉट्स हैं उसी के मुताबिक, और जो बाहर की जो दुनिया है वो मटेरियलिज्म वर्ल्ड है, मतलब जो सेंसेस के ज़रिए से आप दुनिया को देख रहे हो, जो आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें, वो मटेरियलिज्म वर्ल्ड में आते हैं। जो सेंसेस उस चीज़ को ले रहा है, वो अपने दिमाग में पिकअप कर रहा है और उसके इमेजेस अपने दिमाग के अंदर बना रहा है, तो वो जो आप दुनिया को देख रहे हो जो सेंसेस के थ्रू, वो मटेरियलिज्म वर्ल्ड में आता है। और जिसके ज़रिए से वो जो चीज़ है वो आपके दिमाग में ताश बन रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं आइडियलिज्म। ये दोनों हैं। जो मटेरियलिज्म वर्ल्ड को हम अपने आंखों से देख रहे हैं, जो भी कुछ देख रहे हैं, जो आपके सामने है, जो आपके सामने चेयर्स है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, उसको हम अपने आंखों से चीज़ों को देख रहे हैं, उस चीज़ को अपने दुनिया को देख रहे हैं, और जो हम देख रहे हैं वो हमारे अंदर माइंड के अंदर ताश बन रहे हैं। लेकिन अलेक्जेंडर हमें कुछ और इस सीन के अंदर कुछ अजीब चीज़ कहना चाहता है कि इस दुनिया के अंदर एक ऐसा भी चीज़ है जो ख़त्म नहीं होगा, जो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जो फोर हुआ है, जो हर जगह है, जो डायरेक्ट करता है आल सराउंड आल डायरेक्ट आल। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हम दुनिया को चीज़ों को देखें, मटेरियलिज्म वर्ल्ड को देखें कि जो चीज़ हमारे सामने है, जो हम इर्द गिर्द में घेरे हुए हैं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि हम उससे जान सकें कि वो हर वक्त है, पूरे वक्त है, ये वक्त में पैदा हुआ और वो हमेशा रहेगा। और ये भी कह रहा है कि वो हर जगह है, और ये भी कह रहा है कि वो डायरेक्ट आल करता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो जो हम दुनिया को मटेरियलिज्म वर्ल्ड के ज़रिए से देख रहे हैं, तो वो हमारे इस कोटेशन को लेकर अपोजिट होते हैं कि ये सब उस चीज़ के अपोजिट है, इसके अंदर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है। हम कुर्सी को देखें, हम घोड़े को देखें, हम किसी भी चीज़ को देखें, हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये हर चीज़ हर जगह नहीं है, एक जगह मैं इधर हूँ तो मैं कोई और जगह नहीं हूँ, मैं इधर ही हूँ, मैं आप इधर हूँ, मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं इधर इधर बात कर रहा हूँ, तो मेरा जो जगह है, तो मतलब मैं इसी एक लिमिटेड, मतलब एक जगह में, एक जगह में हो सकता है, एक वक्त में, एक जगह में। वो कहता है एक वक्त में हर जगह होता है, और ये भी कह रहा है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। मुझे देखो, मैं कोई मर जाऊंगा, मेरे जब मेरे बॉडीज़ हैं वो भी अलग अलग डिस्ट्रॉय, अलग अलग फॉल्स होंगे,
तो मतलब इसका क्या मतलब एलेक्जेंडर हमें क्या कहना चाहता है कि इस दुनिया के अंदर मटेरियलिज्म वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा भी चीज़ है? तो उसको जानने के लिए हम मतलब थोड़ा समझने के लिए थोड़ा देखते हैं लॉजिकली चीज़ों को। जैसे कि एक मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ एक स्टोरी के तरीके से जो आपको समझ आ जाए। जैसे मैं एक कारपेंटर ने एक कुर्सी को बनाया, कुर्सी को कहाँ से बनाया, एक दरख्त के लकड़ियों से उससे बनाया कुर्सी को, उसे बना कर एक मार्केट में बेच दिया। जब उसने मार्केट में बेच दिया उसी वक़्त और उसी कुछ दिन बाद एक ग्राहक आया उस कुर्सी को लिया, उसको लिया, उसको फिर अपने घर में रखा टेबल के सामने, उसे इस्तेमाल करने लगा। लैपटॉप उसने रखा टेबल के ऊपर और उसे रोज़ इस्तेमाल करने लगा। एक साल गुजर गया, दो साल गुजर गया, तीन साल गुजर गया और जो चेयर्स है वो डिस्ट्रॉय होने लगा, तो मतलब उसके जो वुड हैं वो डाइजेस्ट होने लगे, वो ख़राब होने लगे। तो उसके मुताबिक वो तीन चार साल बाद उस लकड़ी थोड़ा ख़राब हो गया, तो उसने उस लकड़ी को जला दिया और फेंक दिया। तो इस चीज़ को गौर से देखें कि इस कहानी को हम चेयर को फोकस करते हैं। इस कहानी के अंदर चेयर का मतलब चेयर कहाँ कहाँ जा रहा है। पहला चेयर नहीं था, एक कारपेंटर ने उस चेयर को बना दिया। जब उस बना दिया उस चेयर को, फिर उसमें मार्केट में बेच दिया, मतलब फिर मार्केट में था, अभी कारपेंटर के पास नहीं है, मतलब एक वक्त में एक जगह में होगा। उस कारपेंटर ने उस मार्केट में बेच दिया तो मार्केट के वाले के पास हो गया, और पहले जो उसके पास था मतलब कारपेंटर के पास था, फिर वो आ गया मार्केट में। मार्केट में के बाद फिर उसको एक किसी ने खरीद लिया, फिर वो उसके पास चला गया। उसके बाद मतलब वो अभी कारपेंटर के पास नहीं है, मार्केट में भी नहीं है, अभी वो लड़के के पास चला गया, उसने जो ये खरीदा, उसने जब खरीदा इस्तेमाल किया यूज़ किया, फिर वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय होने लगा। मतलब वो पोल ओवर नहीं हुआ, वो उसको उसने जला दिया, मतलब वो पोल ओवर नहीं हुआ, एक वक्त के लिए हो गया, मतलब पोल ओवर नहीं हुआ, एक वक्त के लिए वो चीज़ पैदा हुआ। तो उसकी मतलब वो एक उसकी जो देखी कि वो एक जगह पे है, वो हर जगह पे भी नहीं है, एक वो डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, वो चेयर है वो डायरेक्ट आल भी नहीं करता, दुनिया को चलाता नहीं है कि डायरेक्ट हाल करें, डायरेक्ट आल भी नहीं करता कि। तो इस स्टोरी के हम हर चीज़ को लगा सकते हैं, अपनी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को भी लगा सकते हैं कि इस स्टोरी को देखें इस ड्यूरेशन में होते हैं। तो हम किस तरह ये समझें कि जो एलेक्जेंडर हमें कहना चाहता है कि वो उसकी बात को इस चीज़ से किस तरह क्लिंक करें, हमें क्या कहना चाहता है? तो एक मुताबिक हम दुनिया को देखें, एक ऐसा भी चीज़ है जिसे हम गौर करें, साइंटिफिकली उसे हम कह सकते हैं कि वो एनर्जी का नाम है, और मजहबी स्पिरिचुअली उसको मुताबिक देखें तो उसे हम कहते हैं खुदा। मोर नो मैटर्स अबाउट इट, मतलब ये एनर्जी, हम लॉजिकली चीज़ों को देखें कि हम तो खुदा को देख नहीं सकते या, लेकिन हम एनर्जी को महसूस कर सकते हैं कि इस दुनिया को एक एनर्जी चला रहा है, आपके अंदर एक एनर्जी है, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, ब्रीथिंग सिस्टम है, एक एनर्जी है आपके अंदर है। और मटेरियलिज्म वर्ल्ड में बहुत से चीज़ों के अंदर हैं और दुनिया को इसी एनर्जी के मुताबिक चल रहा है। तो हम लिविंग थिंग्स के अंदर हम देख सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी देख सकते हैं, जैसे कि ज़मीन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे हम एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, वो अलग अलग फॉर्म्स के अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सिंपली एक एनर्जी है, उसके फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं अलग अलग जगह में। आपके अंदर आपकी एनर्जी अलग तरीके से रिएक्ट करता है, उस किसी और के अंदर अलग तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन एनर्जी है, उसी के मुताबिक आप चल रहे हो। और जो दुनिया के जो निज़ाम है वो एनर्जी के मुताबिक चले, बिना एनर्जी के तो नहीं होता कि मतलब एक प्लैनेट्स है सूरज के अंदर इर्द गिर्द घूम रहा है और ऑर्बिट कर रहा है, तो उसका एक एनर्जी है, एक उसी के मुताबिक वो घूम रहा है, उसी के मुताबिक इधर उधर चल रहा है। लेकिन फिर भी हम उस एनर्जी के मुताबिक
चला है उसके अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग उसके रिएक्शंस होते हैं, आपके अंदर कोई और रिएक्शंस होता है, उस प्लांट को घुमाने के वो अलग रिएक्शंस होते हैं, परिंदे के अंदर अलग रिएक्शन होते हैं, और जो पूरी दुनिया को निज़ाम के जो एनर्जी के मुताबिक चल रहा है, जो यूनिवर्स है वो तो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा यूनिवर्स है, उसके अंदर अलग अलग मतलब यूनिवर्स रखे हुए हैं, जो पूरी सिस्टम को, जो बड़ा यूनिवर्स है, जो हमारे सोच नहीं जा सकता, उस दुनिया को चलाने वाला एनर्जी है, और एक ही एनर्जी हर जगह मौजूद है, आपके अंदर भी मौजूद है और दूसरे जानवर के अंदर भी मौजूद है, फिलहाल पूरी यूनिवर्स के सिस्टम को चलाने में भी मौजूद है, मतलब वो एनर्जी हर जगह मौजूद है, हर जगह वो मौजूद, वो डायरेक्ट आज भी करता है, बिना एनर्जी के दुनिया चलता भी नहीं है, किस तरह चला होगा मटेरियलिज्म वर्ल्ड बिना एनर्जी के, मटेरियलिज्म वर्ल्ड बिना एनर्जी के चलता है नहीं, किस तरह, अभी देखो मेरे अंदर आप एनर्जी को निकाल दोगे तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा ना, मेरे अंदर मतलब वो एनर्जी नहीं है, मेरा एक स्ट्रक्चर ज़मीन पे गिरा होगा, और एनिमल्स को भी देखें उसके अंदर एनर्जी निकल गया तो उसके अंदर भी ऐसा नहीं होगा कि वो भी ख़त्म हो जाएगा, चल जाएगा, वो भी इस तरह हो जाएगा, उसकी भी बोली ऐसी रखी होगी, मतलब आप सिंपली इस मटेरियलिज्म वर्ल्ड को अंदर एनर्जी को निकाल दो, एनर्जी को जब निकाल दोगे तो आप देखोगे कि बहुत से चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगे, वो प्लांट्स हैं, मतलब जुपिटर है, प्लांट्स है, मून्स है, जो भी है, चांद है, जो भी है, लेकिन उसके अंदर अब या किसी के अंदर एनर्जी निकाल दें तो वो क्या होगा, मतलब दुनिया कैसे चलेगा, मटेरियलिज्म वर्ल्ड में एनर्जी निकाल दिया, सब चीज़ें डस्ट पड़ेंगे, सब चीज़ें गिले पड़ेंगे, मतलब इस तरह होगा कि कुछ नहीं होगा, इस तरह के कुछ नहीं हो रहा है, तबाही मतलब इस दुनिया के अंदर आएगा, तो वो एनर्जी क्या हो गया, हर जगह है, एक वक्त में एक जगह नहीं है, मटेरियलिज्म वर्ल्ड को हम मटेरियलिज्म चीज़ों ऑब्जेक्ट को एक जगह में रखते हैं कि ये एक जगह पे है, लेकिन वो चीज़ जो एनर्जी है तो दुनिया के हर कोने में है, ये यूनिवर्स के हर कोने में, दुनिया छोटी लफ्ज़ है, यूनिवर्स के डायरेक्ट हाल करता है, मतलब वो हर जगह पे है, डायरेक्ट हाल भी करता है, वो अभी देखो ये भी कह रहा है कि अलेक्जेंडर कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या, अभी देखो मेरे अंदर एनर्जी निकल गया, मैं मर गया, तो मतलब ये नहीं कि वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया, या कोई परिंदा है वो मर गया उसके अंदर जो एनर्जी है वो ख़त्म नहीं कि वो मर गया, एनर्जी निकल गया, मरना या निकलना अलग बात है, वो मरने को आप एनर्जी को किस तरह मारोगे, कांचू से मारोगे एनर्जी को, तब पत्थर से मारोगे, ये बंदूक या न्यूक्लियर बम उसके अंदर एनर्जी को किस तरह, एनर्जी को आप मारोगे किस तरह, आप सोच करके देखना किस तरह आप मारोगे, किस तरह उस चीज़ को आप डिस्ट्रॉय करोगे, किस तरह नहीं हो सकता ना, हम किस तरह, आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ चेयर है, चेयर को आप मार सकते हो, चेयर को आप टूट फूट कर सकते हो, लेकिन एनर्जी को किस तरह डिस्ट्रॉय करोगे, किस तरह उसे करोगे, क्या है मतलब, एटम को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एटम को हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को है उसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, उसे हम कुछ नहीं कर सकते, तो मतलब वो क्या हो गया, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अभी तीसरी बात में आते हैं कि ये कह रहा है कि जो दुनिया है कि मतलब वो जो एनर्जी है दुनिया के अंदर वो फॉरवर है, वो एक वक्त में नहीं है, कोई चीज़ आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो वो हर वक्त में होगा ना, जिसे दुनिया को यही एनर्जी चलाने वाला है, यही एनर्जी फॉरवर नहीं हुआ, मतलब फॉरवर नहीं हुआ तो किस तरह ये दुनिया चलेगी, किस तरह ये दुनिया रहेगी, तो ये सोचने की बात है, ये देखने की बात है, तो इसी को मतलब हम जो एनर्जी है वो फॉरवर रहेगा, क्योंकि दुनिया को वही चलाने वाला है, वही जो निज़ाम है पूरी कायनात को वही एनर्जी चलाने वाला है, क्योंकि जो वो डिस्ट्रॉय होगा तो मटेरियलिज्म वर्ल्ड का क्या होगा, मतलब ये नहीं कि ये दुनिया तबाह हो गया, कोई और यूनिवर्स नहीं, वो बहुत से हज़ारों यूनिवर्स हैं, उस यूनिवर्स को देखने वाला भी वो एनर्जी है, उसको चलाने वाला भी वो एनर्जी है, वो डायरेक्ट करने वाला भी वो एनर्जी है, जो हर जगह पे वो एनर्जी है, तो मतलब कि ये सिंपली ये नहीं होता कि इस दुनिया के अंदर मतलब हम ये दुनिया ख़त्म हो जाए तो दुनिया पूरी यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, तो अलग बात है कि सब एक जगह डिस्ट्रॉय होंगे, एक जगह नहीं होंगे, मतलब सिर्फ ये दुनिया यूनिवर्स नहीं है, बहुत से अलग अलग यूनिवर्स हैं, अलग यूनिवर्स, अलग अलग क्रिएशंस, ये सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन वो जो मतलब वो एनर्जी है वो पूरी हर जगह हर वक्त मतलब होगा, उसका कोई ये नहीं कह सकते कि मतलब ये दुनिया ख़त्म हो गया, एनर्जी ख़त्म हो गया, पूरी यूनिवर्स ख़त्म, एनर्जी ख़त्म, वो ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब आप देखो, आप कोई किसी चीज़ का जो सरबरा है या किसी भी चीज़ का,
उसके बॉस को हम मार डालें तो मतलब कंपनी का जो सब है उसको हम मार डालें, तो कोई चलाने वाला उस कंपनी को नहीं होगा तो कंपनी बंद हो जाएगा, कंपनी रहेगा नहीं, तो वो कंपनी चलाने वाला कोई नहीं होगा तो कंपनी बंद हो जाएगा। इसी के अंदर दुनिया के अंदर जो मतलब एनर्जी नहीं होगा, एनर्जी हर वक्त नहीं होगा तो दुनिया को चलाने वाला कौन होगा, यूनिवर्स को चलाने वाला कौन होगा, इस पूरे निज़ाम को जो सिस्टम जो बना हुआ है, पूरे यूनिवर्स जो सिस्टम बना हुआ है उसको चलाने वाला कौन होगा, वो एनर्जी है। तो एनर्जी हर जगह होगा और स्पिरिचुअली आप उसे खुदा कहो या मजहबी मतलब खुदा कहो या जो भी कहो, लेकिन मतलब हम लॉजिकली चीज़ों को देख रहे हैं, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना इस चीज़ को, मतलब हम एनर्जी को देखें कि वो हमारे मतलब जो लॉजिकली उसी के मुताबिक एनर्जी है जो हर जगह,